नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो मेरा वीडियो बढ़ाने के पहले एक आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं सीपी जोशी की। आप सभी को पता है कि राजस्थान के ये नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, यानी कि सतीश पुनिया को हटा के अब इनको राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप सभी के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर सतीश पुनिया को हटा के सीपी जोशी को राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का क्या मतलब है। तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपसी तालमेल ठीक नहीं बन रही थी। यानी कि जिस प्रकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आनातानी थी, उसी प्रकार से वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया के बीच में भी कुछ ऐसे ही थी, आपसी आनातानी। इसी को देखते हुए जो आला कमांड है वो एक नए चेहरे को सामने लाई। उन्होंने ऐसा नेता चुनना चाहा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, यानी कि उन्होंने बीजेपी के नेता को चुन लिया है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और जो ये सीपी जोशी हैं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है और इनको आधा से ज़्यादा नेता पसंद करते हैं, यानी कि इनको वसुंधरा राजे भी पसंद करती हैं और साथ ही साथ सतीश। तो फिर चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने तो इनका स्वागत सतीश पुनिया ने भी किया। अब देखना यह है कि ये बीजेपी का जो अध्यक्ष है, यानी कि सीपी जोशी जो हैं, अब ये सतीश पुनिया से कुछ हटके करने वाले हैं या ये भी उन्हीं की तरह करने वाले हैं। तो अब इनके कार्यशैली से पता चलेगा कि आखिर क्या चेंजेस आने वाले हैं, अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है अब हमारे प्रदेश पे। तो आगे की खबरों को देखते रहे और हमारे चैनल से जुड़े।